समाज सेवा में समर्पित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के द्वारा आगरा की पावन धरा पर विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान दिनांक 11 से 17 जनवरी 2018 समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम आगरा। विशेष प्रतिदिन कथा के बाद विशाल भंडारे का भव्य आयोजन एवं कथा के साथ साथ नित्य सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जाएगा, जैसे वृक्षारोपण, हेलमेट वितरण, गरीब महिलाओं को अनाज एवं कपड़ों का वितरण एवं स्कूली बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण, गायों की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण रक्षा हेतु समाज को जागृत करना इत्यादि। इस विशाल कुंभ रूपी आयोजन में सपरिवार पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। नोट: भव्य कलश यात्रा 11 जनवरी 2018 को प्रातः 8:30 बजे JP गार्डन शास्त्रीपुरम चौराहे से शुरू होकर कथा मैदान देहतोरा की बचत मैदान C2 चर्चित चौराहा देहतोरा शास्त्रीपुरम को प्रस्थान करेगी। संपूर्ण आयोजन का सीधा प्रसारण बापूजी के फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। श्री मुरारी लाल गोयल, मैनेजिंग ट्रस्टी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09358399066। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग। Fashion and designing is all about dreaming. So BNI5, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. थाना प्रभारी खैरागढ़ श्री नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में इनके थाने की टीम लगी हुई थी। इनके क्षेत्र में 3 घटनाएं घटी थी जिसमें लूट की गई थी और एक पर्टिकुलर असलहे का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे लगा कि ये सारा गैंग एक ही होगा। फिर सैया में एक घटना ऐसे घट गई जिसमें एक को गोली भी मार दी गई थी, मोटरसाइकिल लूट ली गई। फतेहपुर सिकरी में घटना घटी थी, सैफऊ में कई घटनाएं घटी, लगभग 1 दर्जन घटनाओं का 3 अपराधी पकड़े गए हैं, 6 इसमें वांछित हैं और लूटी गई 4 मोटरसाइकिलें मिली हैं। एक मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, इस आगरा जनपद के जो बॉर्डर हैं उन थानों को टारगेट करते थे, जिससे अगर इधर का दबाव बने तो दूसरे प्रदेश निकल जाए और दूसरे प्रदेश से दबाव बने तो इधर निकल जाए। निश्चित तौर पर इसके पकड़े जाने से बॉर्डर पर जरूर अपराध में कमी आएगी और शेष जो बचे वांछित अभियुक्त हैं उनकी हम जल्दी गिरफ्तारी कर लें, वो विधिक कार्रवाई करेंगे। जो एक तो लूट की मोटरसाइकिलें हैं, इसके अलावा इनसे असलहे मिले हैं, 315 बोर की राइफल इन्होंने देसी बनवाई है, जो सामान राइफल से थोड़ी कम लंबाई की है, उसको सब लटका लेते थे और उसका प्रयोग करते थे। इनके खिलाफ लगभग अभी तक जो जानकारी में आई है 1 दर्जन अपराध हैं और शेष राजस्थान में कहां कहां अपराध है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। थैंक यू।